नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष राजपूत। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, मतलब कि आप यहां पर पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर हैं और यहां पर दोस्तों आप पंजाब नेशनल बैंक की पीएनबी वन एप्लीकेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, लेकिन आपको कुछ इस प्रकार की एरर शो हो रही है, यानी कि यूजर आईडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर द कस्टमर, कुछ इस प्रकार की, जैसे मैं स्क्रीनशॉट यहां पर दिखा रहा हूं, ये एरर आपको शो हो रही है। तो दोस्तों इस एरर को आप कैसे सॉल्व करोगे, मतलब इसका कैसे सॉल्यूशन निकालोगे कि अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन में आप जल्दी से लॉगिन कर पाओ, यानी रजिस्ट्रेशन कर पाओ। तो दोस्तों इसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। लाइव प्रूफ के साथ यहां पर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कब आती है, ठीक है। तो दोस्तों आपको बस वीडियो में बने रहना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको हमारे चैनल पर बैंक से जुड़ी प्रॉब्लम और फाइनेंस के ऊपर वीडियो मिलती रहती है। और दोस्तों साथ ही हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम इन दोनों पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई आपको इंस्टाग्राम पर जरूर मिलेगा और टेलीग्राम पर आपको हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों इन दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जल्दी से जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों बिना किसी देरी के भरते हैं वीडियो में मेन टॉपिक की ओर और इस प्रॉब्लम को हम जल्दी से सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों यहां पर आपको जब अपना पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना होता है तो सबसे पहले आपको पीएनबी वन एप्लीकेशन को यहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब आप उसे इंस्टॉल करते हो तो दोस्तों उसे आप ओपन करते हो, ठीक है। उसे ओपन करने के बाद परमिशन देते हो तो मैं यहां पर करके दिखाता हूं, ठीक है। मेरे पास है यहां पर फ्रेश पीएनबी वन एप्लीकेशन, तो मैंने अभी इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर रहा हूं इसे दोबारा से। तो दोस्तों ये मैंने इंस्टॉल कर रखा है, अब मैं इसे यहां पर ओपन कर लेता हूं। तो ये परमिशन मांग रहा है मेरे से, तो यहां पर मैं इसे अलाउ कर देता हूं, ठीक है। तो आपको भी इसी प्रकार से यहां पर अलाउ कर देना है। अभी हमारे सामने फ्रेश एक पीएनबी वन एप्लीकेशन है, इसमें अभी तक मैंने कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखी है आईडी, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों जब आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है पीएनबी वन एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम, तो आप क्या करते हो, प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे न्यू यूज़र बताते हैं सबके, आपको न्यू यूज़र पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, वो सही बात है बिल्कुल, ठीक है। आपको तो इस पर जाते हो न्यू यूज़र पर, यहाँ पर आप फिर करते हो रजिस्ट्रेशन विद डेबिट कार्ड, क्योंकि एटीएम कार्ड की मदद से ही आप ऑनलाइन अपनी इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट कर लोगे पीएनबी वन एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद आप नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है जहाँ पर स्टेप आते हैं चार, ठीक है। तो आप जब फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल लेता हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस यहाँ पर दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल लिया है, उसके बाद नीचे मैं जैसे ही कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा, तो दोस्तों जैसे ही मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखना मेरे सामने क्या एरर मुझे शो होगी, ठीक है। आप भी यहाँ पर देखोगे क्या एरर मुझे यहाँ पर शो होने वाली है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ आगे, यूजर आईडी इज ऑलरेडी क्रिएटेड फॉर द कस्टमर, यानी कि हमारी जो यूजर आईडी है वो ऑलरेडी क्रिएट है इस कस्टमर के लिए, जैसे हमने अकाउंट नंबर डाला तो उसने हमें ये मैसेज पॉपअप दे दिया। तो दोस्तों इस एरर को आपको कैसे सॉल्व करना है, तो दोस्तों इसको आपको ओके कर देना है, बैक हो जाना है, ठीक है, जहां से आपने स्टार्ट किया था प्रोसेस। तो दोस्तों ये एरर कब दिखाता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों ये एरर जब दिखाएगा आपको अगर आपने अपनी जो यहां पर यूजर आईडी पहले से ही क्रिएट कर रखी है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपने पहले से ही एक्टिवेशन कर रखा है, तभी आपको ये शो करता है, ठीक है। अब मैं यहां पर बता देता हूं कि आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू लॉगिन पर फिर से क्लिक करना है। अब की बार आपको यहाँ पर नीचे न्यू यूज़र पे ना क्लिक करके ऊपर यूज़र आईडी ही डाल देनी है। अब आप कहोगे कि यूज़र आईडी हम कहाँ से लाएं, तो दोस्तों यूज़र आईडी आपको मिलेगी आपकी पासबुक पर, आपकी कस्टमर आईडी ही आपकी यूज़र आईडी होती है। तो दोस्तों आपको वो यहाँ पर डालनी है और नीचे साइन इन के बटन पर क्लिक कर देना है। मैं आपको यहाँ पर डालकर दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैं अपनी यहाँ पर यूज़र आईडी डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने अपनी यहाँ पर यूज़र आईडी डाल दी है, उसके बाद मैं नीचे साइन इन के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे ही यहाँ पर साइन इन के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखना कि यहाँ पर मुझे क्या मैसेज शो करेगा। देखिए अब देखिए यहाँ पर आ गया है वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो वो मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड होगा आपके बैंक अकाउंट से एटीएम से, वो आपको इसमें डाला रहना चाहिए फोन में, तभी आप इसका एक्टिवेशन कर पाओगे, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर मोबाइल नंबर मांग रहा है, दो सिम पड़े हुए हैं, तो जोन सा मेरा मोबाइल नंबर लिंक है मैं उस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, और कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका क्या होगा, यहाँ से मैसेज सेंड हो जाएगा। ये अभी मेरा जो है यहाँ पर मैसेज इसलिए सेंड नहीं हो रहा क्योंकि थोड़ा सा मैंने अपना जो है अभी एयरप्लेन मोड ऑन कर रखा है, तो इस वजह से मेरा मैसेज नहीं जा रहा है। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आप सोचोगे कि ये गलत है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ऊपर से एयरप्लेन मोड अपना ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों इस वजह से मैंने ये अपना और एयरप्लेन मोड ऑफ कर रखा है क्योंकि फिर कॉल्स वगैरह आ जाती है तो वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, फिर मज़ा नहीं आता, तो इस वजह से ऑफ कर रखा था। लेकिन मैं आपको लाइव प्रूफ के लिए यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, फिर से हम इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर जब सिम वन पर क्लिक है कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो कि इस बार ये वेरीफाई कर लेगा क्योंकि इसमें ही मेरा ओटीपी जाएगा इस मोबाइल नंबर पर और वो ऑटोमेटिक इसे ऑथेंटिकेशन कर लेगा। दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला गया है।
तो दोस्तों जैसे ही वो ओटीपी आ जाता है तो यहाँ पर वो ओटीपी हमें डालना होता है। तो दोस्तों मेरा ओटीपी यहाँ पर आ गया है। दोस्तों अब यहाँ पर ओटीपी डालने के बाद नीचे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो न्यू एम पिन डालने का ऑप्शन यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर एम पिन बनाना होगा जिससे कि हम एप्लीकेशन में लॉग इन होते हैं। तो दोस्तों वो चार अंकों का एम पिन हमें यहाँ बनाना होगा। पहले मैं यहाँ पर एम पिन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन दोनों में सेम एम पिन डालना होगा क्योंकि कंफर्मेशन के लिए भी एम पिन मांगता है। तो दोस्तों मैंने एम पिन बना लिया है। ये एम पिन आपको वही बनाना है जो आपको याद रहे, ठीक है। ये कोड आपसे जब जब मांगेगा, जब भी आप अपना पीएनबी वन एप्लीकेशन ओपन करोगे, ठीक है दोस्तों। तो मैंने अपना यहाँ पर एम पिन सेलेक्ट कर लिया है और देख सकते हो कि यहाँ पर एम पिन मेरा सक्सेसफुली सेट हो गया है। अब दोस्तों हम साइन इन करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमसे एम पिन मांगेगा, मैं एम पिन वाले डाल देता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप इस एरर को दूर कर सकते हो और अपने पीएनबी वन एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम थी, वो जो एरर आ रहा था पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वो सॉल्व हो गई होगी। अगर आपकी इस वीडियो को देखकर प्रॉब्लम सॉल्व हुई है तो यार वीडियो को एक लाइक तो जरूर बनता है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखकर हेल्प मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।